जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने जिले के लोगों से अपील किया था कि खेत में पैदा हुए गेहूं को अपने घरों में रख लें और भूसा दान कर दें। जिला अधिकारी ने यह भी कहा था कि जो 25 कुंतल भूसा दान करेगा मैं स्वयं खुद उसके यहाँ आऊंगा। बक्सा ब्लॉक प्रमुख सजल सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि मैं 500 कुंतल भूसा दान देना चाहता हूँ। सूचना पाते ही रविवार की दोपहर कलेक्टर और जिले के कप्तान ब्लॉक प्रमुख के मरगूपुर स्थित आवास पर पहुंचकर भूसा देखे और ब्लॉक प्रमुख की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने माइक के माध्यम से ग्रामवासियों को संबोधित किया तथा कोरोना संक्रमण से बचने का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों से दूर रहे, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का बराबर प्रयोग करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। ग्राम प्रधान मरगूपुर विनोद सिंह से ग्राम सभा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो लोग बाहर से गांव में आ रहे हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालय में अलग अपनी देखरेख में रखें और उनके खाने पीने के उचित बंदोबस्त करें। जय हिंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मिश्रा को अपने पास बैठा कर विद्यालय संबंधित जानकारी दी। इस दौरान जौनपुर जिलाधिकारी और कप्तान ने मरगूपुर सजल सिंह के यहाँ वृक्षारोपण भी किया। हम सबको ध्यान रखना कि वो घर में जाने का, भले कितने बड़े घर का बच्चा है क्यों ना हो या बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, क्वारंटाइन 21 दिन का अगर कर लेगा तो हमारा गांव बच जाएगा, हमारा ब्लॉक बच जाएगा, हमारा जिला बच जाएगा। अभी देखो हम ऑरेंज जोन में है, अगर ये बदलापुर वाले दो केस ना आए होते जो बम्बई से आए और वो हमारा ना आया होता बनारस वाला केस वाहिद अली वाला कोई नाम नहीं, तो हम ग्रीन जोन में होते, हमको ऑरेंज जोन में किन दिया इतनी जोन मिल गया। तो यही करना है कि हम लोग कोशिश यही करें।